गाकर बैठा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब वो है कि वो किसी और की बेइज्जती नहीं करना चाहता। क्या 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 सिस्टम कर रखे हैं भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये टाइप की लड़कियां जो खुद उसकी चाटती है, जो खुद उसके पीछे पड़ी रहती है। मुनव्वर को शुरू से करते आया हो तो मुनव्वर को ही करूंगा, उसके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। उसकी कहीं ना कहीं गलती, बट यार पर्सनल चीजें बहुत इन्वॉल्व हो गई है घर के अंदर, तो उसको जब पहले से कहा गया है कि ये चीज़ पर्सनल नहीं रहती है शो में, तो उसकी पर्सनल चीज़ों से उसको ट्रिगर करा जा रहा है, तो वो सही नहीं है। बाकी मुनव्वर है, और अभिषेक के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट अच्छी बात है कि वो वापस घर पर आ गया। मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं था बिग बॉस के लिए, बट जो मुनव्वर के साथ बुरा है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है, ठीक है। और अगर लड़का कुछ नहीं बोलता और लड़का अगर मुंह झुका कर बैठा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब वो है कि वो किसी और की बेइज्जती नहीं करना चाहता और किसी और की इज्जत को ख़राब नहीं करना चाहता। सो आई नो मुनव्वर वेरी वेल, एंड मुनव्वर बहुत ही अच्छा इंसान है, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। सो वी स्टैंड विद मुनव्वर। और मेरी नज़र में दो ही विनर आए, अभिषेक या मुनव्वर, इन दोनों में से कोई भी जीते पर ट्रॉफी इन दोनों में आना चाहिए, और कोई लाइक नहीं है ट्रॉफी के। सिर्फ क्या करेंगे, ड्रामे करेंगे। मैं आपको सही बता रही हूँ भाई साहब, पहले आयशा आई, आई हैव हिस्ट्री विद मुनव्वर, चलो जी एंट्री मिल गई मैडम को, अब एंट्री मिल गई, पहले कुछ और कहानियां, आप कुछ और कहानियां पहले मैडम जी उसके साथ दिखा रही है, प्यार नहीं दिखा रही, क्या कर भाई मुनव्वर, क्या 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 सिस्टम कर रखे हैं भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अंकिता वो आयशा क्या है, वो आयशा सच बोल रही है या मुनव्वर सच बोल रहा है, वो कह रही है भाई ये तो बहुत वैसा बंदा है। भाई गेम खेलो, बिग बॉस है वो, बिग बॉस। अनफॉर्चुनेट जो चीजें की है अपनी निजी जिंदगी में, पर क्योंकि वो उसकी निजी जिंदगी है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना इससे पहले मैं उसे जानता था, तो इन मटीरियल टू मी जो चीजें की है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है सच का साथ, यस, क्योंकि सच का सामना तो कोई कर नहीं पा रहा है बिग बॉस के घर में, सॉरी मुनव्वर के घर में, क्योंकि अब ये बिग बॉस का घर कम मुनव्वर का घर ज़्यादा लग रहा है मुझे, इतने ज़्यादा पर्सनल अटैक कर रहे हैं लोग, पूरा गिरोह बना के ऐसे कल अंताक्षरी खेल रहे हैं कि भाई मुनव्वर ये हुआ वो, अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस बंदी को अकेले बात करके टैकल करने दो ना, अब वो बंदी कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये तो हमें पता नहीं ना, फेक एजेंडा करके डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं भाई को, पर इट्स ओके, हमारा भाई प्लेयर है, था और हमेशा ही रहेगा, और लॉकअप भी वो इसीलिए जीते, उनकी गेम बहुत अच्छी है। सब लड़कियों को ये समझना चाहिए, ये जो इसको वुमनाइजर पोर्ट्रे कर रही है, ही इज नॉट अ वुमनाइजर, बिकॉज मैं उसके साथ रही हूँ, मैं जानती हूँ। ये टाइप की लड़कियाँ जो खुद उसकी चाटती है, जो खुद उसके पीछे पड़ी रहती है, बिकॉज मुनव्वर इज फेमस, सबको फेम चाहिए इन सब कुतियों को, इसका मतलब ये नहीं है ही इज अ बैड पर्सन। ये लड़कियाँ खुद जाती है, खुद अपने आप को ये प्रेजेंट करती है, फेमस लड़कों के साथ में चिपकना चाहती है, अब ये शो के अंदर उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है, जो कि बहुत गलत है, और ये बंद होना चाहिए उसकी मेंटल हेल्थ के लिए।